एक दो सच्चा तेरा नाम सच्चा देव गणों मेरी धरती पर उतरो ईश्वर की ज्योति लेके देव गणों मेरी धरती पर उतरो ईश्वर की ज्योति लेके अंधेरी घाटी में उतरो स्वर्ग की सुगंध लेके अंधेरी घाटी में उतरो स्वर्ग की सुगंध लेके देवगणों मेरी धरती पे उतरो ईश्वर की ज्योति लेके हमारी धरती हमारा मन हमारा चिंतन जो अशुद्ध भूमि है जहां अंधकार है हे ज्ञान के देवताओं मन की इस अंधेरी भूमि में तुम उतरो हे प्रकाश के देवताओं अंधकार से भरी इस घाटी में तुम उतरो हे प्रसन्नता के देवताओं मन की इस भूमि पर तुम उतरो हे प्रेम और शांति के देवताओं हम मनुष्य के मन की अशांत घाटियों में जहां अवसाद विषाद और हमारे अपने अशुद्ध चिंतन का अंधकार और कोहरा छाया हुआ है इस कोहरे में स्वर्ग की सुगंध लेके उतरो ईश्वर की ज्योति लेके उतरो हे ज्ञान के देवताओं उतरो आओ ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं जो आत्मा को जन्म और मृत्यु से बांध देता है ऐसा ज्ञान नहीं जो जीव आत्माओं को तृष्णा और भोगों में ले जाके पशु जैसा बना देता है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से ये आत्मा अपने आप को जान सके ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा यह जीवात्मा स्वयं को अनावरण करके उघाड़ कर उस परम ब्रह्म को देख सके ऐसा ज्ञान जो हमारी जीवात्मा धीरे 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 आरोहण करती हुई चढ़ती हुई ब्रह्म धारा में बहती हुई उस परम ब्रह्म का ही रूप बन जावे ऐसा ज्ञान लेके हे देवगणों हमारे मन की भूमि पर तुम उतरो ऐसा प्रेम लेके आओ जो हमें बांधे नहीं
हमें विमोहित न करे, हमें अशांत और द्वंद के गड्ढों में ले जाके न गिरा दे। ऐसा निर्मल शुद्ध प्रेम जो आत्मा का सहज आकर्षण उस आदि ब्रह्म की तरफ को है, ईश्वर का वो सहज प्रेम जो उसकी जीव आत्माओं से है, ऐसा प्रेम लेके हमारे हृदय की घाटियों में तुम उतरो। ऐसी प्रसन्नता जो आदमी को मतवाला कर दे, ऐसी खुशी और प्रसन्नता नहीं चाहिए जिसको पाके मनुष्य अभिमान में भर जावे। ऐसा मद, ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिससे मनुष्य दूसरों को रौंदता चला जावे। मद नहीं, अभिमान नहीं, उत्तेजना नहीं, शांति का साम्राज्य हमारी आत्मा में उतरे। देवगणों, मेरी धरती पे उतरो, ईश्वर की ज्योति लेके। कौन कौन से देवगणों को हम पुकार रहे हैं? अहिंसा के देवता, सत्य के देवता, संयम के देवता, तप के देवता, अपरिग्रह के देवता, ईश्वर की निकटता में रहने वाले वे दिव्य भाव जो एक साधारण मनुष्य में ईश्वरत्व, देवत्व, अमृत तत्व को भर देते हैं, वे सद्गुण, सोम, जीवन रस, उत्साह, माधुर्य लेकर के हे दिव्य भावों देवगणों, हमारे मन की अंधकार से भरी भूमि पर उतरो, अंधेरी घाटी में उतरो, स्वर्ग की सुगंध लेके। ऐसी सुगंध जिस सुगंध पे देवलोक की पवित्र आत्माएं खिंच खिंच के आती हैं। ऐसी गंध नहीं, आदमी ऐसा हो जाए कि उसे मानस गंध भावे ही नहीं। ऐसी गंध नहीं जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करती हो। ऐसी दिव्य सुगंध आत्मा में ऐसी उज्ज्वलता हमें प्राप्त हो जो इस आत्मा के तार को हरेक मनुष्य के भीतर रहने वाले सत्य करतार से जोड़ दे, चराचर से जोड़ दे, वैमनस्य विरोध बैर द्वंद अशांति हमारे चित्त से, हमारे मन से सदा के लिए नष्ट हो जावे।
दक्षिण भारत में नामदेव नाम के एक संत हुए। कृष्ण महाराज उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। इतना लगाव, इतना प्रकाश नामदेव की आत्मा में था। पशु पक्षी मनुष्य सभी में वे उस वासुदेव परम ब्रह्म के दर्शन किया करते। उनके आश्रम में एक उत्सव था, उनके गांव का एक कुम्हार वहां आया, उसको भी परमात्मा का दर्श प्राप्त था। वह भी सिद्ध आत्मा था। उस कुमार ने जितने लोग बैठे थे एक एक के थप्पड़ मारना शुरू किया। कोई कुछ बोला नहीं, चुप रहे। पता नहीं क्या बात है। होते होते फिर नामदेव जो बैठे थे उनके भी एक थप्पड़ लगाया, वो अचकचा गए। कहा, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है, सबको थप्पड़ मार रहे हो, मुझको भी किस लिए? उस कुमार ने कहा, सुनो, इस बर्तन में दरार है। बर्तन मट्टी के बर्तन बनाने वाले, बर्तन पक जाता है तो उसको टक टक करके देखते हैं, बजा के देखते हैं हाथ से कि ये जो बर्तन है, ये जो बोल रहा है, इसमें दरार है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। लोगों ने समझा इसका दिमाग चल गया, सभी को पीट रहा है, सभी को मिट्टी के बर्तन समझ रहा है। कोई बात नहीं, सभा विसर्जित हुई। नामदेव को मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। कृष्ण महाराज को याद किया, हे प्रभु, यदि मुझ में कमी है तो उसे आप पूरा क्यों नहीं कर देते? इस तरह से दूसरों से अपमानित कराना क्या अच्छी बात है? कृष्ण महाराज बोले, तुम जैसे व्यक्ति मान और अपमान की बात करें तो मुझे अचरज होता है। नामदेव, इसका अर्थ उस कुमार ने ठीक कहा था कि तुम्हारे अंदर दरार है, तुम्हारे अंदर कमी है, इसे ठीक कर लो। कहा, प्रभु आप तो हैं ठीक करने वाले। बोले, नहीं, खग जाने खग ही की भाषा, मैं दिव्य शरीर में हूं और तुम भौतिक शरीर में हो। अपने ही शरीर जैसा कोई गुरु तलाश करो। कहा, प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं, रोज मुझसे बात करते हैं, उपदेश देते हैं। बोले, नहीं, इस बर्तन की दरार निकालनी है तो गुरु को खोजो, और जैसा गुरु कहे वैसा मानो। ये नहीं कि गुरु को जाके खुद उपदेश देना शुरू कर दो। गुरु का मतलब ही ये होता है जो हमारी आत्मा को गंदगी में से निकाल कर स्वर्ग के उपवन में ले जाता है, उसकी बात मानो। और उसकी बात अटपटी लगती है तो सहन करो, परेशान मत हो। नामदेव ने सर झुका लिया, कहा, प्रभु
ये तो बताओ वो गुरु कहां मिलेगा। कृष्ण महाराज ने कहा देखो फला गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति है परमात्मा के ज्ञान को जानने वाला है, वहां जाओ उसके चरण पकड़ो, अपने अभिमान को समाप्त करो, तब तुमको पूर्णता प्राप्त होगी। नामदेव उस गांव में गए, पूछा इस नाम का कोई आदमी है? बोले किसकी बात कर रहे हो, पागल है वो तो। किसने बता दिया? बोले बताया तो एक अच्छे भले आदमी ने है, पर वो है कहां? वो तो ऐसे ही घूमता रहता है, कहीं मंदिर के आसपास तुम्हें मिल जाएगा, देख लो कि शकल सूरत कि जो पागल सा दिखाई दे उसे ही समझ लेना यही है। नामदेव मंदिर के आसपास गए, कोई और आदमी वहां था, पूछा इस नाम का आदमी गुरु? अरे गुरु पुरु कुछ ना है, वो तो बेवकूफ है, पागल है। कहां है? देखो मंदिर में अंदर होगा। अंदर जाके क्या देखते हैं नामदेव की? एक आदमी अस्त व्यस्त कपड़े बाल बिखरे हुए, शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर रखे हुए लेटा हुआ है। हद हो गई। कृष्ण महाराज ने मुझे कहां भेज दिया? कृष्ण महाराज की आवाज आई, चुप रहे, मैंने पहले ही कहा था यही है गुरु। बोले इतना बदतमीज आदमी, इसे यही तमीज नहीं पैर कहां रखना है, सिर कहां रखना है? रखना था तो शिवलिंग पे सिर रख के लेट जाता, ये तो पैर रख के लेटा हुआ है। कृष्ण महाराज ने कहा शांत रहे और इससे बात कर, नमस्कार कर। नामदेव ने उसके चरण स्पर्श किए और कहा आप अच्छे भले आदमी दिखाई देते हो, फिर ऐसे उल्टे काम किस लिए कि शिवलिंग पे लोग दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं? परमात्मा का चिन्ह है धरती पर शिवलिंग, तुम हो इस पे पैर रखे बैठे हो। उस आदमी ने नामदेव की तरफ को देखा, बोले तू कहां से आया, कौन है? बोले मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कौन हूं, पहले ये बताओ पैर क्यों रख रखे हैं शिवलिंग पे? अगर आप ज्ञानी पुरुष हो, समझदार हो, साधु हो, महात्मा हो, गुरु हो, तो इतना तो एक साधारण आदमी भी जानता है कि पूजा के स्थान पे पैर नहीं रखना चाहिए। कहा भाई देख कमजोर हो गया हूं, तू मेरे पैर हटा के उस तरफ को कर दे। नामदेव को बड़ा गुस्सा आया और पैर उधर तक के, तो उसके नीचे एक और शिवलिंग पैदा हो गया पैरों के नीचे, फिर उधर को हटाया एक शिवलिंग वहां पैदा हो गया, जिधर जिधर को पैर करें उसके पैर के नीचे शिवलिंग, इधर करे इधर, चारों तरफ शिवलिंग हो गए। उस गुरु ने कहा इधर आ, ये ईश्वर का चिन्ह सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं, तेरे अंदर भी है, देख माथे में, ऐसे उंगली मारी माथे पर बेहोश हो गए। पूजा पाठ वो पहले से बहुत करते थे, हर वक्त परमात्मा के ध्यान में रहते थे, केवल जरा सा पर्दा बाकी था उनका, अब उनकी आत्मा शरीर से निकल गई,
क्या देखते हैं? पूरा विश्व ब्रह्मांड घूम रहा है। उस ब्रह्मांड में वो एक रोशनी के तिरमिरे की तरह घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। परेशान हो गए, कहा मरा मरा मरा। गुरु ने हाथ बढ़ाया, उसको पकड़ लिया, आ जा, शरीर में डाल दिया। कहा बता, सब में वो ही परमात्मा है। जानना अलग बात है, मुंह से कहते फिरना अलग बात है। अब तूने जान लिया है, तेरे गांव का जो कुम्हार है उसको भी देवताओं ने मेरे पास भेजा था। पता नहीं कब तक मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों को भेजते रहेंगे। यहां से जाके उस कुम्हार का धन्यवाद करना, उसके पैरों में गिरना और कहना कि बस अब मेरे जो दरार थी बर्तन में वो गुरु ने भर दी है। देवगणों मेरी धरती पे उतरो, ईश्वर की ज्योति लेके। देवगणों, मेरी धरती पे उतरो, ईश्वर की ज्योति लेके। अंधेरी घाटी में उतरो, स्वर्ग की सुगंध लेके। इस मिट्टी के बोझ को सिर पर तो उठाओ देवताओं। तुम तो दिव्य शरीरों में विचरण करते घूम रहे हो, कभी इस सितारे पर, कभी स्वर्ग में, कभी वहां, कभी ब्रह्मलोक में, कभी देवलोक में। ये जो मिट्टी का बोझ है, शरीर जो हमने उठाया हुआ है, इसमें कितना वजन है, इसको सिर पे रख के देखो। मिट्टी के शरीर में आते ही देवताओं की दिव्यता समाप्त हो जाती है। अज्ञान उनको घेर लेता है। जरा जरा सी बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चों की तरह नादान अज्ञान बन जाते हैं। इस मिट्टी के बोझ को सिर पर तो उठाओ। इंसानों की देह ओढ़ कर मेरे साथ तो आओ। मनुष्यों के इस संसार में मनुष्य बनकर मेरे साथ ईश्वर का कार्य करो। अपने स्वार्थ में तो सारा संसार फंसा पड़ा है। बच्चे पाल रहे हैं, यही धर्म है जी, यही गृहस्थी का धर्म है, बस इसीलिए भगवान ने भेजा है, और क्या करें? नहीं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। संसार रूपी वन उपवन बड़ा हरा भरा है, लंबा सफर है, थकान है, नींद है, आंखें थकान से बोझिल है। सोचता हूं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर लूं, पर कर नहीं सकता। क्यों? मैंने उस परम ब्रह्म से शाम ढलने से पहले पहले अभी मीलों मीलों चलने का वचन दिया हुआ है। गांव से गांव, व्यक्ति से व्यक्ति,
उन लोगों तक मुझे परमेश्वर की इस ज्योति को, इस सुगंध को ले जाना है। हे दिव्य आत्माओं, मेरी मदद करो, क्योंकि इस संसार में आसुरी आत्माओं का बोलबाला है, पाप आत्माएं कुत्तों की तरह लड़ रही हैं। हे दिव्य आत्मा वालों, कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं, संसार की सेवा के लिए मैं हे देवगणों तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम्हें बुला रहा हूं। और तुम भी आके यहां झगड़े मचवा दो, राड़ खड़ी कर दो, तो इससे अच्छा है बस वहीं रहो। यहां आकर तुम भी काम क्रोध वासनाओं में, तृष्णा की दलदल में फंस जाओ, ऐसे मुझको नहीं चाहिए। कम से कम कुछ तो ऐसी आत्माएं हों जो लोगों को शांति प्रदान कर सके। आत्मा में ईश्वरीय सुगंध को प्रदान कर सके। इस मट्टी के बोझ को सिर पर तो उठाओ, इंसानों की देह ओढ़ कर मेरे साथ तो आओ। कृष्ण महाराज द्वारिका में, गुजरात में राज्य करने लग गए थे, वहीं पर पोरबंदर में उनके गुरु का आश्रम था, संदीपनी ऋषि का। एक दिन उनके मन में आया, कृष्ण हमारा शिष्य बहुत अच्छा लड़का था, बड़ी सेवा किया करता था, ज्ञान भी उसको बहुत था, संसार के कूड़े में कहीं वो कूड़ा तो नहीं हो गया, जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब को कीचड़ में फेंक दो तो उस पे कीचड़ तो जम ही जाता है। कूड़े के ढेर पर कोई वस्तु, कोई कपड़ा फेंक दो तो उसमें गंदगी तो लगना स्वाभाविक होती है। और सुई को डाल दो कूड़े के ढेर पर तो हाथ भी नहीं आएगी, सुई वे लोग हैं जिनका स्वभाव बड़ा कटु चुभने वाला, हर वक्त दूसरों के सुई सी चुभाते रहते हैं, जरा सी बात बोलेंगे झुम झुम झुम, कभी मीठा नहीं बोलेंगे, कभी अच्छी बात नहीं कहेंगे, हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। कड़वी से कड़वी बात पता नहीं कहां से भगवान ने उनके सिर के ऊपर घास की तरह उगा रखी है, जब देखो उसी का रस मुंह से बहता है। सुई जैसे लोग, बिना धागे की सुई हो तो हाथ आएगी नहीं कूड़े के ढेर में, ढूंढते रहो अपने ही पैर में गढ़ जाएगी, हाथ में लग जाएगी, चुभ जाएगी, खून निकाल देगी। पर जिसमें धागा पड़ा है, सूत्र सूत्र, सूत को, धागे को संस्कृत में सूत्र बोलते हैं, जिसमें सूत्र है, सूत्र यानी रहस्य, ईश्वरीय ज्ञान का सूत्र जिसके अंदर पड़ा है तो
वो धागा चमकता रहता है और वो उठा लो। जिन जीवात्माओं के भीतर गुरु का सूत्र पड़ा है, सूत्र समझ लीजिए, सूत्र क्या होता है, मंत्र, ज्ञान, ज्ञान का एक वचन, छोटे छोटे बहुत से वचन वे सूत्र कहलाते हैं। जैसे हमारा सूत्र है देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन जाओ, और बने पड़े हैं जानवरों जैसे, तो सूत्र तो खो गया। जिस सुई में सूत्र नहीं रहा, धागा नहीं रहा, वो संसार में खो जाती है, हाथ नहीं आते, दुर्गति होती है। तो कृष्ण महाराज तो ऐसी सुई थे जिनके अंदर सूत्र था। प्रतिदिन सामवेद की ऋचाओं का गायन करते थे, प्रतिदिन। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता रहता है वो संसार में खोया नहीं जाता। जो प्रतिदिन गुरु के दिए मंत्र को जपता रहता है प्रतिदिन नियम से, उसकी आत्मा के भीतर सूत्र पड़ा है, धागा, वो खोया नहीं जाता। फिर भी संदीपन ऋषि ने सोचा चलो बच्चा है, भले ही शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके हमारा तो बच्चा ही है, चल के देखें क्या हालत है, बेचारे को कोई परेशानी तो नहीं, लोगों ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं कर दी। कुछ शिष्यों को लेके गए, कहलवाया, गुरु आए हैं संदीपन। कृष्ण महाराज एकदम से उठ खड़े हुए, पूरे शरीर में रोमांच हो गया, हे विधाता, इतने दिन बाद तूने मुझ पे कैसे कृपा कर दी। भाग के गए गुरु के चरणों में, सीधे लेट गए, आंखों से आंसू आ गए, गुरुदेव आप तो मुझे भूल ही गए। गुरु ने कहा भूलता तो यहां कैसे आता, भूला नहीं हूं, तुझे देखने आया हूं, तू ठीक है या बीमार है। बीमार नहीं हूं, ठीक हूं गुरु महाराज, चल चल अभी पता चलेगा, चल। आज्ञा करें भोजन में क्या आप लेंगे, बनवा दो कुछ भी। भोजन बनवाया गया, कहा बेकार है, एक तरफ हटा दो, ये अच्छा नहीं, ये बनवाओ ये बनवाओ ये बनवाओ, परीक्षा ले रहे हैं। सेवादारों को कहा भैया ये लाओ ये लाओ ये लाओ। आ गया भोजन, गुरु महाराज भोजन तैयार, अरे बेकार है, ये नहीं, ये बनवाओ ये बनवाओ ये बनवाओ। तीसरी दफा फिर भोजन आया, बिल्कुल बेकार। एक काम कर कृष्णा जी, बताइए, अपने हाथ से खाना बना जैसे तू आश्रम में बनाता था हमारे लिए। प्रभु पहले आज्ञा देते मैं तो अब तक बना के ले आता, जा जा अब जा। कृष्ण महाराज अपने हाथ से बना के ला रहे हैं, और कहा वही बनाना जो आश्रम बनाते थे, मोटी मोटी रोटी चटनी। और गुरु महाराज दूध वगैरह, अरे वो उनके लिए छोड़ दे जो वहां लड़ते थे ना आश्रम में दूध के पीछे, हमें दूध नहीं मिलता, हमें रसगुल्ला नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। वो भोजन अशुद्ध होता है जिस पर मनुष्य कलह करता है, कलेश करता है, उसको छोड़। रोटी और चटनी ले आ, ठीक है आ गई। पूरे 40 दिन वहां रहे,
कृष्ण महाराज जरूरी काम करते जो राज्य के थे करने थे उनको, फिर बाकी समय तुरंत गुरु के पास आ जाते तो उनके पैर दबाते, गुरु महाराज मैं ये मंत्र भूल गया, ये भूल गया, ये भूल गया, मुझे बताओ। बोले तू बात मत बनावे, तुझे सब याद है, तू मेरे मुख से सुनना चाहता है। गुरु महाराज ऐसा ही समझ लो, आप सुना दो। 40 दिन तक ज्ञान की गंगा बहती रही। कहा अब हमें तू आश्रम पहुंचा दे। रथ जुड़वाए, घोड़े जुड़वाए, बोले नहीं, एक तरफ तू लग जाए, एक तरफ तेरी पत्नी, और खींच के आश्रम तक ले चलो। ऐसे बड़ी प्रसन्नता से, ऐसे नहीं मैं राजा हूं, मेरा अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रेम से गदगद। प्रभु निश्चय ही आप मेरे भाग्य को जगाने के लिए आए हो। गुरु की कृपा ऐसे ही बरसती है। आश्रम में जब पहुंचे और कृष्ण महाराज लौटने लगे तो संदीपन ऋषि बोले, बेटा तेरी आत्मा पर जो मैल कुचैल लग गया था संसार का, उसको धोने के लिए ये सब कठोर कार्य मेरे लिए आवश्यक थे। कृष्ण महाराज ने गुरु के चरणों को आंसुओं से भिगो दिया। हे देवों के देव, आप जैसा करुणा निधान भव सागर से तारने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस बात को मैं बचपन से ही जानता हूं और ये भी जानता हूं कि गुरु की किसी बात में हमें मीन मेख नहीं निकालने चाहिए। जो गुरु आज्ञा दें उसको तुरंत ही वैसे ही हमें मान लेना चाहिए। इस मट्टी के बोझ को सिर पे तो उठाओ, इंसानों की देह ओढ़कर मेरे साथ तो आओ। संसार की घाटी में देखो बहुत अंधेरा है, संसार की घाटी में देखो बहुत अंधेरा है, अंधकार से फूल ढके हैं और तृष्णा का पहरा है। अंधकार से फूल ढके हैं, गहरा अंधकार हो तो गुलाब कैसा चमक रहा है, चमकता ही नहीं, लाल है या पीला है पता ही नहीं चलता। हमारी आत्मा उस परमेश्वर के पुष्प है, तृष्णा के अंधकार से, हमारे अज्ञान के अंधकार से, हमारे अशुद्ध विचारों के अंधकार से ये पुष्प ढके रहते हैं। इनमें प्रकाश करने के लिए हे प्रभु, हे परमात्मा, देवगणों को भेज। कौन से देवगण? तीर तलवार जिन्होंने हाथ में ले रखे हैं वे नहीं, अमृत सोम अमृत, अग्नि है तेज, तेजस्विता, आत्मा का तेज हमें प्राप्त हो, आत्मा की मंदता निम्नता गिरावट हमें प्राप्त ना हो। इंद्र सम्राट जैसा तेरा स्वरूप हमारी आत्मा में बसा रहे हे प्रभु। संसार में हम किसी से दुर्व्यवहार न करें, सरस्वती ब्रह्म रस की धारा हमारी जिभ्या से बहती रहे, ऐसे देवता हमें चाहिए। ऐसे नहीं जो यहां आकर के डंडे चलवा दें, ऐसे देवता नहीं चाहिए।
थोड़ा सा सामवेद आप सुन। सामवेद भाग 51 ऋचा संख्या 882 ऋषि कण व ऐसा ऋषि जो कण कण चुग चुग के ज्ञान को इकट्ठा करता है, देवता इंद्र ईश्वर के सम्राट वर्णन, छंद उष्णिक स्वर ऋषभ सा रे ग म, रे को ऋषभ, ऋषभ स्वर पे स्वर स्थापन करके इन ऋचाओं को गाया गया है। ओ चित्त उक्थिनो अनोष्टुवन्ति पूर्वथा वृषपाता नीरपोजया दिवे दिवे। पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि ब्रह्म उपासना करते हैं, आज भी निर्मल हृदय में उस परम ब्रह्म की ज्योति उसका चांदना झिलमिल झिलमिल करता रहता है। संसार से न कभी सत्य नष्ट होता है और न कभी असत्य, न पवित्र आत्माएं कभी समाप्त होती हैं और न दुष्ट आत्माएं समाप्त होती हैं। सब तरह की आत्माएं इस पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं। पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना, पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि कर ब्रह्म उपासना। युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना, पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना। निर्मल हृदय में आज भी हुवे पार ब्रह्म का चांदना, निर्मल हृदय में आज भी हुवे पार ब्रह्म का चांदना। पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना, पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना। Thank you.
सर्पयति सुवीरयस्य गोमतो यस्य पूर्धिमाम असि हे परमेश्वर, छोटे से छोटे जीव के, जीव जंतु के बात को भी तू सुनता है। जो तेरे शरण में आते हैं उनके कष्टों को, उनकी परेशानियों को अवश्य ही तू दूर करता है। छोटे से छोटे जीव की तू सुनता है परमात्मा, ओ छोटे से छोटे जीव की तो सुनता है परमात्मा। शरणगतों के कष्ट तो हरता रहता है परमात्मा, शरणागतों के कष्ट तुहरता रहता है परमात्मा। पिछले युगों की तराज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना, पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना। निर्मल हृदय में आज भी हो पार ब्रह्म का चांदना, निर्मल हृदय में आज भी होवे पार ब्रह्म का चांदना। नवीयसि वीरं मन्त्रां जीजनत चिकित्सविद्मनसं धियं प्रतनमृतस्य पित्यसुषिमा, अपने साधकों को वह परम ब्रह्म अद्भुत अचरज भरे लोक लोकांतर दिखाता है। आज तक जो किसी को नहीं दिया, अपने मित्रों को, अपने भक्तों को, निर्मल हृदय वालों को वो परम ब्रह्म देता है। अपने साधकों को परमेश्वर अद्भुत लोक दिखाता, अपने साधकों को परमेश्वर अद्भुत लोक दिखाता। आज तक जो ना
पाया किसी ने अपने मित्रों को वो दिलवाता। आज तक जो ना पाया किसी ने अपने मित्रों को वो दिलवाता। पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना। पिछले युगों की तरह आज भी ऋषि मुनि करे ब्रह्म उपासना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। पार 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 ब्रह्म का पारे ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। निर्मल हृदय में आज भी हो विपार ब्रह्म का चांदना। पार ब्रह्म का चांदना। ओम शांति शांति शांति। जब हमारी आत्मा दोषों से रहित हो जाती है तब उसमें ब्रह्म रस स्वतः फूटने लगता है। हर रविवार को मृतकों के लिए इतनी चादरें चढ़ाई जाती हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में जितने संसार से जा रहे हैं उससे दुगने चौगने पैदा हों। हिंदू समाज में हमारा समाज घटे नहीं बढ़ता चला जाए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।